Hello, dear children. Dear children, God loves those people who help others. Remember, good deeds are always rewarded. Children, open page number 21 of your moral science book. Lesson 5. Do good, have good. Let us read the words of wisdom. If you help others, you too will be helped by them. गुड डीड्स आर ऑलवेज रिवॉर्डेड. चिल्ड्रन, अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे और अच्छे काम को गॉड भी हमेशा रिवॉर्ड देते हैं. नाउ लेट अस रीड दिस स्टोरी. वंस इन अ फॉरेस्ट अ लायन वॉज हैविंग अ डीप स्लीप अंडर अ ट्री. एक बार जंगल में एक लायन पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था. अ माउस लिव्ड इन अ होल नियर बाय. एक चूहा पास में एक होल में रहता था. इट सॉ द लायन स्लीपिंग. उसने लायन को सोते हुए देखा. इट केम आउट ऑफ द होल एंड बिगेन टू जंप ओवर द लायन. और वो अपने होल से बाहर आया और लायन के ऊपर जंप करना स्टार्ट कर दिया. द लायन गॉट डिस्टर्ब्ड. इट वोक अप. लायन था वो डिस्टर्ब हो गया. उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई एंड इट वोक अप. वो उठ गया. द माउस ट्राइड टू रन अवे. जो माउस था उसने कोशिश की कि वो वहां से भाग जाए. बट द लायन कॉट इट इन इट्स पॉ. पर लायन ने उसको अपने पॉ में पकड़ लिया, पंजों में पकड़ लिया. द माउस ट्रम्बल्ड विद फेयर. जो माउस था वो डर के मारे फेयर से कांपने लगा. ट्रम्बल्ड. इट बेग्ड फॉर मर्सी एंड हम्बली सेड, ओ किंग ऑफ द फॉरेस्ट आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू. उसने बहुत हम्बली, बहुत पोलाइटली लायन से दया मांगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो. उसने बोला, ओ जंगल के राजा, किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं तुमको सॉरी बोलता हूँ कि मैंने डिस्टर्ब किया आपको. फॉर गॉड सेक प्लीज स्पेयर माई लाइफ. उसने बोला, भगवान के लिए मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो. टेक पिटी ऑन मी. मुझ पर दया करो. आई शैल नॉट रिपीट द मिस्टेक. मैं अब ये मिस्टेक कभी रिपीट नहीं करूंगा. आई विल पे बैक योर काइंडनेस वन डे. एक दिन मैं आपके इस उपकार का बदला चुका दूंगा. ये लायन है और लायन ने माउस को अपने पॉ में पकड़ लिया. द लायन लाफ्ड एट हिज वर्ड्स बट लेट द माउस गो सेइंग, पुअर माउस, यू आर टू स्मॉल टू बी ऑफ एनी यूज टू मी. जब माउस ने लायन को बोला कि मैं भी किसी दिन आपके काम आऊंगा, तो लायन को उस माउस की बात पर हंसी आ गई, क्योंकि लायन तो इतना बड़ा, पावरफुल और स्ट्रांग था, पर माउस छोटा और वीक था. तो माउस लायन के किस काम आता? लायन ने माउस को ये कहकर छोड़ दिया कि पुअर माउस, तुम मेरे काम आने के लिए बहुत छोटे हो, जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया. आफ्टर सम डेज अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग. थोड़े दिनों के बाद एक हंटर, एक शिकारी फॉरेस्ट में आया हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए. ही कॉट द लायन इन अ नेट. उसने लायन को नेट में पकड़ लिया. The lion tried to free himself, but all in vain. Lion ने अपने आप को free करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन सारा बेकार गया. वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाया. It started to roar. उसने जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया, roar करना शुरू कर दिया. Lion जोर से दहाड़ता है ना, उसके sound को, जो वो आवाज करता है उसको बोलते हैं roar. तो the little mouse heard the roar. जो लिटिल माउस था उसने रोर की आवाज सुनी. लायन जब रोर कर रहा था उसकी आवाज सुनी. इट केम आउट ऑफ हिज होल. वो अपने होल से बाहर आया. कौन बाहर आया? लिटिल माउस.
वो अपने होल से बाहर आया। इट वेंट नियर द लायन एंड सेड, सर डोंट वरी, वन डे यू हैड शोड काइंडनेस टू मी, टुडे दिस लिटिल माउस विल सेव योर लाइफ। वो लायन के पास गया और बोला कि सर डोंट वरी, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, एक दिन आपने मुझ पर काइंडनेस शो की थी, दया दिखाई थी और मुझे छोड़ दिया था, और आज मैं छोटा सा चूहा आपकी लाइफ को सेव करूंगा, आपकी लाइफ को बचाऊंगा। द माउस कट ऑल द रोप्स ऑफ द नेट विद हिज शार्प टीथ। माउस ने नेट के सारे रोप्स को अपने शार्प टीथ से कट कर दिया। The lion was set free. अब lion free हो गया था, आजाद हो गया था। It thanked the mouse. उसने mouse को thanks बोला। क्यों बोला? क्योंकि mouse ने net के सारे ropes cut करके lion को free किया था। इसलिए उसने उसको thank you बोला। lion ने mouse को thank you बोला। Dear children, if you help others, others will also help you one day. So, if you find someone in trouble, you must extend your help. Dear children, अगर आप दूसरों की help करते हैं, तो दूसरे भी आपकी एक ना एक दिन help करेंगे. अगर आप किसी को कभी भी मुसीबत में देखते हो, तो आपको अपना helping hand उसकी तरफ जरूर बढ़ाना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड।